What's up everybody, welcome back to my channel, here it's Shubhadeep. So guys, let's start today's video. So guys, so we are going to go to the next road trip, that is not far away. So we are super excited for that. In our group, around 5-6 people are confirmed to go. So this ride, it's very very special for our reason. This is our first long ride. Because हमारे group का हर बंदे के लिए ये first long ride है, because उतना हम लोग experience नहीं है, unexperienced है. इस ride के दौरान हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, मतलब long ride के बारे में, long ride पे कैसे क्या करना पड़ता है, उसके लिए ही सब तैयारी चल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, होता क्या है, मतलब exciting level एकदम एकदम ऊपर पड़ा है. तो बात कुछ ऐसा है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इस राइड पे, मतलब नेक्स्ट जो राइड होगा उस पे भी ये सेम चीज ही मैं कैरी करूंगा. मतलब लॉन्ग राइड के लिए मैं क्या क्या चीज़ खरीदा हूँ लगेज कैरी करने के लिए, आज इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा. तो फर्स्ट कौन सा चीज़ दिखा, ओके फर्स्ट मैं दिखाता हूँ टैंक बैग. दिस इज टैंक बैग फ्रॉम गॉड्स, ठीक है, गॉड्स का टैंक बैग है. ये मेरे को कॉस्ट किया है अराउंड 1750 रुपीज़. ओके, क्वालिटी बहुत ही सही है, बिकॉज जो साइड का जो क्वालिटी है मेरे को, मतलब जो कपड़ा है वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है. और यहाँ पे मैं अच्छे से मेरा मोबाइल रख पाऊँगा, टच भी काम करता है, दैट इज द गुड पॉइंट. और एक चीज़ दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं रेन कवर है इसका, और अच्छे से यहाँ पे मैं मेरा DSLR और मेरा मतलब कैमरे का जो एक्सेसरीज हो गया, वॉलेट हो गया, बाइक का पेपर्स हो गया, यहाँ पे मैं अच्छे से कैरी कर पाऊँगा. और इसका क्वालिटी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है. देखिए, और एक बात, इसको थोड़ा साइड पे रखो. और एक बात है, जो मैं राइनॉक्स का भी बैग खरीद सकता था, जो टैंक बैग है राइनॉक्स का, डिज़ाइन मेरा ड्यूक के लिए उतना सूट नहीं कर रहा था. वो रॉयल एनफील्ड का बाइक पर मतलब बहुत ही अच्छे से सूट होगा, बट नॉट फॉर ड्यूक. ओके, तो इसलिए मैं गो फॉर गॉड्स. ओके, दैट्स इट, टैंक बैग हो गया. नेक्स्ट चीज़ जो चीज़ है वो दिखाता हूँ, वो है गॉड्स का सैडल बैग. ओके, तो बात कुछ ऐसा है, मैं गॉड्स का क्यों खरीदा हूँ सैडल बैग, जो इसका जो शेप है ये ड्यूक 390 के लिए परफेक्ट है. और इसका जो प्राइसिंग है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली था, बिकॉज 3500 का है, तो उसके लिए मतलब ठीक ठाक पैसे का अंदर हो गया है. और इसका क्वालिटी पर्सनली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है अब तक. आई डोंट नो यूज़ करने के बाद क्या होगा, स्ट्रैप का क्वालिटी ये सब तो अभी तक तो सही लग रहा है. तो ये, अरे बाबा, ये अराउंड 50 लीटर्स का है दोनों मिल के. ये मतलब इसके अंदर आप कोई भी चीज़ रख के डायरेक्ट ऐसे उतार के मतलब उतर सकते हो. और ये है रेन कवर, यहाँ पे भी एक चेन दिया हुआ है चीज़ें रखने के लिए. और यहाँ पे आप, यहाँ पे भी एक जगह है चीज़ रखने के लिए, दैट्स इट. और यहाँ पे बॉटल रखने के लिए भी जगह दिया हुआ है. ओके, दिस इज द गुड थिंग. तो इसको भी थोड़ा साइड पे कर दो, ये मतलब दूसरा साइड का जो भी हो वो भी दिखा दिया. यही कुछ बात है, मैं गॉड्स का खरीदा बिकॉज मैं टैंक में गॉड्स का खरीद रहा था, तो डेफिनेटली सब कुछ गॉड्स का खरीदना ही सही होगा. और मैं राइनॉक्स का एक सैडल बैग आता है, बट वो वाटर प्रूफ नहीं है, जो मेरे को पता चला उसका प्राइस है अराउंड 4500, वो वाटर प्रूफ नहीं होता है जितना मेरे को बताया गया है, बट आई डोंट नो क्या बात है. तो बट मेरे को ये अवेलेबल मिला, इसलिए मैं ये खरीद लिया. और एक चीज़ तो आपको पता है, मैं शैड का ड्रॉप बॉक्स कैरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अराउंड कॉस्ट किया था 4600 रुपीज़. ओके, तो यही कुछ लगेज करने के लिए चीज़ें मैं कैरी कर रहा हूँ. तो एक बार बाइक पे सब कुछ बैठा के एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को. चलो, मैं सब कुछ फिट कर दिया हूँ बाइक पे. देखिए, मैं प्रॉपरली एकदम अच्छे से फिट नहीं किया हूँ, बिकॉज कहीं तो अभी नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ. तो इसलिए नॉर्मली अभी फिट किया हूँ, देख लो एक बार कैसे लग रहा है बाइक. वो इट्स लुक्स ह्यूज. ओके, तो अच्छे से फिट, अच्छे से नहीं मतलब फिट किया हूँ यहाँ पे टैंक बैग, सैडल बैग और हमारा ड्रॉप बॉक्स जो भी हो. तो बात कुछ ऐसा है, एक चीज़ आप लोगों को मैं कह देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली सैडल स्टे रहेगा, तब ये प्रॉपरली फिट होगा. सैडल स्टे मैं अभी भी फिट नहीं किया हूँ, रीज़न सैडल स्टे फिट करने का, बाइक थोड़ा बल्की लग रहा था, मैंने सोचा जब मैं ट्रिप पे निकलूँगा उसके बाद उस टाइम ही मैं लगवाऊँगा, वही सही है. एक बार आप लोगों को मैं सैडल स्टे भी दिखा देता हूँ, रुको. ये रहा सैडल स्टे. ओके, यहाँ पे फिट होगा, मैंने एकदम ट्रिप पे निकलने का 2-3 दिन पहले मैं ये सैडल स्टे बेसिकली, ओ बाप रे बाप, सैडल स्टे बेसिकली मैं फिट करवाऊंगा. तो गाइस, दैट्स इट, यही कुछ आप लोगों को दिखाने था मैं क्या क्या
मतलब लगेज, मतलब इस रोड ट्रिप पे लगेज कैरी करने के लिए क्या क्या चीज़ मैं खरीदा हूँ। डेफिनेटली मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप लोगों से भी शेयर करूँगा, ये बात तो एकदम सच है। तो वही आप लोगों को दिखाया, और जब रोड ट्रिप में जाऊँगा तब तो एकदम अच्छे से बाइक पे सब कुछ फिट करूँगा, तब बाइक एकदम छोड़ दो वो लगेगा वो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो इस वीडियो भी यही कुछ आप लोगों को दिखाने था। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंजॉय किया तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।